ये ऑल विन ऑटो स्विच है, इसको R1, R2, R3 ये तीनों वायर हैं, ये पहला वायर है जो लगाना है फेस के फर्स्ट L1 पर, और ये दूसरा वायर है R2 वाला जो L2 पर लगाना है, और ये तीसरा वायर है R3, इसको L3 पर लगाना है। ये तीनों वायर लग चुके हैं। उसके बाद ये है एन वाला वायर जो ये तार जहाँ से हटाना है, एक तार ऑफ बटन पर जो एक वायर लगता है, ये इस वायर को ये जहाँ ये यहाँ लगता था यहाँ से हमने हटा दिया है और इसकी जगह ये लगा दिया है। ये एन वाला वायर है जहाँ ऑटो स्विच से एन से निकलता है ना, वो था। और ये है वी और S1 दोनों को जोड़कर ऑन बटन पर लगाना है। और इसके बाद आखिरी तार वायर बचता है S2, इसको वी ऑन बटन पर लगाना है। अब ये लगकर हो गया है तैयार। ये वायर हैं, 7 वायर वाला है ऑटो स्विच ऑलविन, सेमी कंपनी का है। अब ये ऑटो मोड में है, अब इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ये फ्यूज़ डालना है, तीनों फ्यूज़। अब ये पहले 2 बत्ती जली थी, अब एक बंद हो गई है, सिर्फ 1 चालू है। बिल्कुल सही लगा है तार, अगर ख़राब होता तो ये रेड LED नहीं जलती। अभी जितना इसमें टाइम लगता है उस हिसाब से ये 1 मिनट के बाद शुरू होगा। ये रेड LED जली हुई है, स्टार्ट होने के बाद हरी ऑन हो जाएगी। अब ये स्टार्ट हो गई है, ये ऑटो और डेल्टा में निकल आ गई हैं।